सपा जिलाध्यक्ष राम नगीना प्रसाद साहनी के नेतृत्व में सोमवार को सपाइयों ने बेतिहाता स्थित पार्टी कार्यालय पर महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व समाजवादी विचारधारा के पुरोधा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि के अवसर पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर सपा के जिलाध्यक्ष राम नगीना प्रसाद साहनी ने बताया कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया स्वतंत्र भारत की राजनीति और चिंतन विचारधारा पर गिने चुने लोगों के व्यक्तित्व का आम जन पर गहरा असर हुआ है। उनमें एक नाम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का भी है। उन्होंने सदा ही विश्व नागरिकता का सपना देखा था। वो मानव मात्र को किसी भी देश का नहीं बल्कि विश्व का नागरिक मानते थे। वो जनता को, वो जनतंत्र का निर्णायक मानते थे। ऐसे महापुरुष पूरी मानव जाति के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। इस अवसर पर पूर्व जिलाध्यक्ष प्रहलाद यादव, पूर्व विधायक विजय बहादुर यादव, डॉक्टर मोहसिन खान, रजनीश यादव, मुनिलाल यादव सहित सपा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए सपा जिलाध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी ने कहा, आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की पुण्यतिथि है। उनके पुण्यतिथि पर हम गोरखपुर जनपद के सभी समाजवादी लोग इकट्ठा होकर के हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। डॉक्टर लोहिया जी का जन्म अम्बेडकर नगर के अकबरपुर में हुआ था और वो समाजवाद के जनक थे। वो गैर बराबरी के खाई को पाटना चाहते थे। उन्होंने पूरे देश और पूरी दुनिया में समाजवाद का परचम लहराने का काम किया था। गैर बराबरी जो खाई को वो पाटना चाहते थे। तो आज ऐसे समय में हम सभी लोग संकल्पित हो आज के दिन हो रहे हैं कि डॉक्टर लोहिया जी के अधूरे सपने को हम समाजवादी लोग पूरा करने के लिए तत्पर रहेंगे और हम उस लड़ाई को लड़ते रहेंगे।